1.51 ये टॉपिक हमारा 1.51 डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बई कालिब का मक्ता, ये डिटर्मिनेंट मक्ता। अब ये क्या चीज है? तो फर्स्ट लेट्स से हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका पहला रुकन ये स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, रो और कॉलम आपस में बराबर हो, तो इसका दो रो दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। इसी तरह 3x3, 4x4, इसको कहते हैं मुरब्बई कालिब, जिसके ऑर्डर जिसमें ऑर्डर में यानी जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर हो। तो हमने ये 2x2 वाला जो मैट्रिसेस है, इनके हमने मक्ता मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो उसमें क्या है? अच्छा, मक्ता को किस तरह लिखते हैं? या तो ये इसको यहाँ पर DET लिखते हैं हम उन बास किताबों में, फिर यहाँ पर इस तरह ये जो स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरह मॉडुलस की शक्ल में चेंज करते हैं। अच्छा जी, या इसका जो सिंबल है कभी इस तरह लिखते हैं या फिर इस तरह लिखते हैं, इसकी जो मैट्रिक्स का नाम है उसके गिर्द भी इस तरह डिटर्मिनेंट की अलामत आप लगाते हैं। तो ये एक ही बात है, यानी चीज़ आई कि आप इस तरह लिख ले या इस तरह लिख ले, दोनों एक ही बात, समझ गए? हम ये ज़्यादा फॉलो करेंगे। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है? एक सिंगल वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। वो किस तरह हासिल करेंगे कि जिसमें ये जो इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल, क्या कहते हैं? इस प्राइमरी डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है ये वाला, इसके प्रोडक्ट को इसमें से माइनस करेंगे, ये अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, उसके बाद c इन डी। तो सी बी, ये चीज, तो AD माइनस BC। या अब ये एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो जाहिर सी बात वेरिएबल है, स्मॉल लेटर्स है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट एक नंबर, ये सारे नंबर होंगे जो हमारे अभी सवाल हल करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट में से यानी जो सेकेंडरी है इनके प्रोडक्ट को, जो प्राइमरी डायगोनल है इनके प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू क्या कहलाएगा? उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। बात समझ गए? क्लियर? अच्छा, इसी के साथ एक और बातें भी है, चंद और टॉपिक भी पढ़ेंगे फिर सवाल आज शुरू करेंगे। उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। नादिर कालिब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर ये जीरो आ जाए, क्या आ जाए? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी 4 आ गया, ये भी क्या गया? 4। तो 4 क्या आएगा? 0 आएगा, समझ गए? अगर किसी मैट्रिक्स का मक्ता या डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कहेंगे? ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी नादिर कालिब ए को, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? नादिर कालिब कहेंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात कि अगर दूसरे, ये पहला, उसके बाद नॉन सिंगुलर, क्या चीज? गैर नादिर कालिब
तो सिंपल अगर फर्ज करें ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर एक ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस तरह ये है, तो अगर अगर ये इसका जो डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो के बराबर ना हो, ज़ीरो के बराबर ज़ीरो ना आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए, ये थोड़ी सी इसको अपने ज़हन में रख ले। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन ज़ीरो आ गया, नॉन ज़ीरो से मुराद मसलन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10, ये आ गया 4, तो 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। या फर्ज करें इस तरह है हमारे पास 5 है, ये आ गया 15, तो 15 में से इन दोनों का प्रोडक्ट 5 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 15 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/10। तो अगेन दोनों सूरतों में क्या है, ये नॉन ज़ीरो है, चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए चाहे निगेटिव नंबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को फिर हम क्या नाम देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए। अब अभी सवाल की तरफ आते हैं। वन अपॉन टू, फोर अपॉन सेवन, फाइव अपॉन टू, माइनस एट अपॉन सेवन। जी अब इसका आप देख लें ये सवाल सी। तो पहले आपने क्या करना है, उसी तरह आपने डिटर्मिनेंट की सूरत में शुरू लिखना है, तो बिल्कुल ऐसी चीज इन्हीं नंबरों का आप इसी तरह लिखेंगे, फोर अपॉन सेवन, 5/2 एंड -8/7। ये चीज़ इसको आप दो वर्टिकल लाइन के अंदर आपने लिखना है, डिटर्मिनेंट की अलामत। ओके जी, अब किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्राइमरी नंबर डायगोनल्स है इन दोनों का को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ब्रैकेट के दरमियान कोई अलामत ना हो तो उसका मतलब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको साइन के समेत लिखना है। देख इसका साइन क्या है, -8/7। फिर हमने क्या बताया कि जो ही यहाँ से आप ऊपर जाते हैं यहाँ पर आपने क्या करना है, माइनस की अलामत लगानी है, तो यहाँ से जब आप इस सेकेंड जो सेकेंडरी डायगोनल है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करना, ये अलामत आप लगाएंगे, 5/2 × 4/7। क्लियर है तक? अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं आप जानते हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो प्लस इंटू माइनस पहले अलामत है, मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा, इसमें देखिए अगर कोई कट सकता है तो आप इसको काटे भी, जैसा कि अभी देखें 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 1 + 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो क्या बचा है यहाँ पर 1 − 4, तो 4 − 4/7। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें 2 × 2 = 2, 2 × 4, तो क्या बचा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले ये माइनस की अलामत, 5 × 10/7, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आप देख लें, देयरफॉर सी डिटर्मिनेंट, ये चीज़ क्या आ गया हमारे पास, चल मैं दोबारा लिख लूँ इसको फिर बाद में बात करते, ये चीज़। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा 7 है तो ये 7, तो 7 को 7 पर डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, वही चीज़ यहाँ पर भी इसी तरह, ये चीज़ तो क्या आ गया हमारे पास, इसको बड़ा लिख ले, ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा, अलामत मनफी करेगी, ये क्लियर। अब इसके बाद 7 पर डिवाइड करें इसको, ये 2, कितना आ गया हमारे पास, -2
मनफी दो आ गया। अब ये मनफी दो जो है आप जानते हैं ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स क्या है, गैर, समझ गए। दस तो दूसरा पॉइंट हमने ये लिखना है कि सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी सी एक गैर नादिर कालिब है। तो ये चीज़ इनमें से कोई एक लिख ले इंग्लिश में या उर्दू में, क्लियर। तो बाकी पार्ट्स आप खुद कर लें, बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। फिफ्थ पार्ट देख लें इसका, बस सॉल्यूशन। जी सॉल्यूशन E इज इक्वल टू 3722। ये तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, E डिटर्मिनेंट, यहां पर इसकी वैल्यू ये चीज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, फिर माइनस अपनी तरफ से ये इसके 7 × 2, क्या आ गया हमारे पास 6 − 14। 6 − 14 कितना आ गया, −8। 6 − 14 − 8 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, जब 0 के बराबर ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ई एक गैर नादिर कालिब है। ये तो इनमें से कोई एक लिख ले, समझ गए।